कैसे हो आप सब। अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग का एंड किया है और यहाँ पे देखें मैं चैम्बरेट लगा रही हूँ मेरे लिए और बेटे के लिए। तो मुझे अभी खाने की इच्छा हो गई तो मैंने सोचा चलो चैम्बरेट बनाते हैं। अभी तो एक ब्लॉग का एंड किया जो लास्ट फाइनल था मेरा, बर्तन वर्तन धो के 12:30 बज गए थे और अभी बज रहा है। और ये एक्चुअली काम करके मैं थोड़ा सा बैठ गई थी लेकिन अभी मैंने सोचा बाद में लगाते हैं। तो अभी बज गए हैं एक बजे में और मेरी बेटी जैमब्रेड खाएंगे। होता है ना कभी कभी साथ में, मुझे भी अच्छा लगता है साथ में कोई है तो खाने वाने के लिए अच्छा लगता है, नहीं तो रात को अकेले भूत के जैसा मैं खाती थी। तो रुकिए बैक कैमरा करके, तो यहाँ पे फाइनली देखो मैंने इसमें बटर वटर कुछ नहीं लगाया, थोड़े थोड़े ही जैम लगाए। और ये ब्रेड देखो ओट्स वाले ब्रेड है, देख सकते हो आप, इसमें फ्लैक्स सीड्स और क्या बोलते हैं अलसी के बीज, वो सारी चीज़ें हैं ब्रेड में। ये थोड़ी कॉस्टली आती है। तो अब ये हो गया है तो अभी मैं इसको निकाल देती हूँ। तो इसको मैं निकालती हूँ एक मिनट, तो इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। इसको करते हैं बंद, पैन को करते हैं नीचे रख देते हैं इस पर, क्योंकि गरम गरम पैन कॉक करते हैं बंद। और यहाँ से लाइट भी बंद करते हैं और अभी ये लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ की लाइट भी बंद कर देती हूँ थोड़ी सी। तो अभी लेके चलते हैं खाने के लिए। ले एक ले ले तेरा इसमें, रुको। चलिए अब मैं खाती हूँ और खा के सो जाऊंगी। पानी का बॉटल नहीं है ना, रुक लेके आते, इसमें है नहीं पानी ज़्यादा क्योंकि फिर पानी लगेगा ना। तो ऊपर वाला दे रहा है तो अभी पानी का बॉटल लेके जाती हूँ क्योंकि रात में थोड़ी सी प्यास लगती है, मतलब खाते हैं तब। तो अभी ठंडा पानी, बाहर ही हमारा फ्रिज है यानी नेचुरल फ्रिज, ठंडा हो जाता है फ्रिज का तो नहीं पी सकते अभी। तो चलिए फटाफट, तो चलिए अभी मैं खा के सोती हूँ। मैं आपको सुबह पकड़ो ना इसे, तो मैं आपको सुबह मिलती हूँ। ओके बाय बाय, गुड नाइट। इसीलिए तुझे बोला ऊपर वाला ले ले। तो देखिए मैंने एंड कर दिया था वीडियो लेकिन आपको दिखाना था। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको तीसी बोलते हैं, अलसी के बीज बोलते हैं ना आप लोग, आप लोग क्या बोलते हैं जरूर। इसमें तेल भी है, देखो तेल, ओट्स, हाँ यहाँ पे अच्छा लगता है। चलिए मिलते बाद में, कल सुबह मिलूंगी आपको। और सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में। आज बनाने वाली हूँ मैं गुलाब जामुन। मैंने अभी तक शावर नहीं लिया है, मैंने सोचा था कि पहले गुलाब जामुन वगैरह बना लेते हैं उसके बाद से जाऊँगी शावर लेने। आज मैंने प्लान किया था कुछ और, आज हो कुछ और गया। आगे आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। मैंने दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छे मूड से की थी लेकिन होता है ना कि वही है कि अगर आप जब अच्छे मूड से रहते हैं तो कोई ना कोई बिगाड़ने के लिए तैयार रहता है ऊपर वाला। तो इसलिए तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल अच्छे अच्छे से मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। और ये जो किट्स का पैकेट है मैं डिमर गई थी तो लेके आई थी, तो यहाँ से मैं हाफ पैकेट इसमें से डाल रही हूँ और हाफ को क्लिप लगा के रख दूँगी। आप चाहिए तो पूरा भी बना सकते हो, आप चाहिए तो आधा पैक करके भी रख सकते हो, लेकिन मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं रखूँगी और डायरेक्ट फ्रीज़र में ही रखूँगी। और बाहर भी नहीं रखना है, अगर पैकेट ओपन कर देते हो तो इसको बाहर नहीं रखना है क्योंकि वो पैक ख़राब हो जाता है। आप कितना भी मतलब क्लिप लगा के रखो, रबर लगा के रखो या कुछ भी, तो भी उसमें हवा चली जाती है और वो ख़राब हो जाता है। तो जो गिट्स के गुलाब जामुन होते हैं, मतलब पाउडर जो होता है इसका, वो काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। अच्छा मैं पानी से इसको आटा मल रही हूँ, आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और आप कैसे शेप देना चाहते हो, कैसे नहीं देना चाहते हो, वो भी आपके ऊपर है। तो इस समय मैंने सोचा था कि लंबे वाले बनाऊँगी, लंबे वाले जो गुलाब जामुन होते हैं वो बनाऊँगी, बट बनाया तो सब अच्छे से ही था। आपको बाद में पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। तो यहाँ पे सारे गुलाब जामुन को मैं अच्छे से रोल कर लूँगी। और इसको जो फ्राई करना है ना, फ्राई एकदम लो टू मीडियम गैस पे फ्राई करना है। और जब गुलाब जामुन आप कढ़ाई में डालते हो ना तो तुरंत हाथ नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। फुल फ्लेम पर आपको नहीं गुलाब जामुन को फ्राई करना है, नहीं तो ऊपर से फ्राई हो जाएगा और अंदर कच्चे रह जाएंगे। हमें कैसा टेक्स्चर चाहिए पता है, जैसे वो रवे का टेक्स्चर होता है ना वैसा, फ्राई करते करते वैसा होना चाहिए अंदर तक, ताकि चाशनी जब अंदर जाए ना तो जब हम कट करते तो एक टेक्स्चर होता है देखो रवे जैसा, खोए जैसा, वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, चाशनी भी उबल गई है और चाशनी को भी मैं बंद कर दूँगी। चाशनी हमको एक तार दो तार का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाशनी चिपचिपा चाहिए,
और गुलाब जामुन की बहुत सारी रेसिपी और मेरी वीडियोस वायरल हुई है, आप इसी चैनल पे देख सकते हो। मैंने ड्राई फ्रूट्स भर के खोया का मिल्क पाउडर से सारे गुलाब जामुन मैंने बनाए हैं और मुझे गुलाब जामुन पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादातर गुलाब जामुन बनाती हूँ। मुझे रसगुल्ले, रसमलाई वगैरह भी पसंद है, वो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हो मेरे आईडी में जाके। तो यहाँ पे एक बैच फ्राई हो गया था और एक बैच को फ्राई करने के लिए 5 से 10 मिनट लगता है, क्योंकि मैं लो टू मीडियम गैस पे फ्राई करती हूँ और अच्छे से फ्राई करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या गड़बड़ किया कि घाई घाई में पता नहीं दिमाग में कुछ टेंशन चल रहा था इसलिए, तो यहाँ पे घाई घाई में गर्म चाशनी में ही मैंने गुलाब जामुन डाल दिया। और यहाँ पे ना मैंने बहुत गरम गरम चाशनी में ये गुलाब जामुन डाल दिया तो कुछ ज़्यादा ही फूल गए, आपको ऐसा नहीं करना है। आज पता नहीं मैं कौन से धुनकी में थी, नहीं तो हमेशा मेरा गुलाब जामुन अच्छा बनता है और ये अच्छा बना ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है। ज़्यादा गर्म में डालते हैं ना तो ये गुलाब जामुन कुछ ज़्यादा फूल जाते हैं, साइज से डबल से ट्रिपल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसको ना चाशनी इतनी ठंडी करनी है आपको, यानी गुलाब जामुन भी आपके ठंडे होने चाहिए और चाशनी भी इतनी ठंडी होनी चाहिए कि मतलब चाशनी को थोड़ा हाथ लगाओ ना तो उतना सिर मतलब उतना गर्म होना चाहिए कि आप बर्दाश्त कर सको, ज़्यादा धुआं नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादा धुआं निकलने पे ऐसा होता है, ऐसा गुलाब जामुन बनता है। तो कोई नहीं, खाने में तो टेस्टी ही लगेगा वैसे, ये कल तक ना बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अभी तो गर्म है, अभी भी गर्म है चाशनी, इतना गर्म चाहिए जो अभी मैं हाथ लगा रही हूँ, इतना गर्म चाशनी चाहिए, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। जो लेफ्ट ओवर मेरा खाना था वो निकाल दिया है और यहाँ पे भी उड़द दाल के दही वड़े बना ले। चलिए पहले दही वड़े बना लेते हैं, अभी बेटी आएगी क्योंकि उसको खाना है, उसने बोला था कि मुझे मैं आऊँगी तो दही वड़े रेडी चाहिए, तो मैं पहले दही वड़े बना लेती हूँ। मतलब दही वड़े की रेसिपी है लेकिन अभी तो भी उसको पीसना वीसना है, तो पहले पीस लेती हूँ और उसके बाद से दही वही फेंट के रख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने ना गैस चला दिया है और चावल रख दिया है क्योंकि बेटी अभी क्लास गई है, तो क्लास से जब आती है तो उसको खाना लगता है क्योंकि वो 12:30 को जाती है और 2 बजे आती है। तो यहाँ पे फटाफट मैंने तैयारी की और पता नहीं आज का दिन मेरे लिए कैसा था कैसा नहीं, अभी कैसे मैं आपको बताऊँ। गुलाब जामुन सुबह सुबह ख़राब हो गए, उसके बाद से दही वड़े भी बनाए तो वो सही से नहीं बने, क्योंकि मैं हमेशा से ही कोई भी चीज़ टेंशन लेके नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज का दिन मेरा बहुत बेकार था और इतना बेकार था कि हमने जो चीज़ें बनाई वो हम खा भी नहीं पाए, ऐसा हो गया। तो अभी तो फ़िलहाल सब सही सही चल रहा है, लेकिन एक दो फ़ोन ऐसे आ गए जिसके वजह से हम इतने टेंशन में थे कि और उसके बाद से हमने खाना भी नहीं खाया। इवन मैंने तो आधा शूट ही किया सिर्फ, और उसके बाद से शूट नहीं किया, उसके बाद से मैंने नेक्स्ट डे शूट किया, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए वैसे जो दही बड़ी की रेसिपी है इसमें वीडियोस में है तो आप लोग वो लोग चेकआउट कर लेना। और ये थोड़े सही नहीं बने थे क्योंकि बहुत हार्ड हो गए थे और मेरी गलती थी कि मैंने इसको फेटा नहीं और जल्दी जल्दी मैं बना दिया और दिमाग में टेंशन चल ही रहा था, तो मैंने तो होता है ना कभी कभी ऐसा कि अगर दिमाग में टेंशन रहे तो चीज़ें अच्छी भी नहीं बनती है, सारा ध्यान उधर ही रहता है, पता नहीं मेरा ध्यान किधर था। आज मिक्सी में भी मैंने इसको ज़्यादा देर तक नहीं फेटा और मैंने इसको बीट भी नहीं किया और ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन गए, फ्लफी नहीं बने। और यहाँ पे कढ़ाई में ना मैंने बड़े 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 डाल दिए, तो कोई नहीं वैसे तो ये ख़त्म हो चुके हैं। और मैंने सैटरडे संडे वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं था, इसके लिए मैंने अपलोड नहीं किया, तो इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे देखिए ये बड़े बिल्कुल भी फूल नहीं रहे, इसकी पहले की वीडियो आप मेरी देखोगे ना तो उसमें बड़े काफ़ी ज़्यादा फूले हैं और दही वही काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और कट करने पर ना काफ़ी सॉफ्टली कट होता है। तो यहाँ तक तो सब सही चल रहा था लेकिन अभी क्या कर सकते। इसके बाद से जब मैं असेंबल करने के लिए गई इसको पानी में से निकाल के, उसके बाद से मैंने आगे की वीडियो शूट नहीं की, डायरेक्ट मैंने किया नेक्स्ट डे वीडियो शूट, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो जाती है ना आपकी ज़िंदगी में कि आप दिमाग में वही घुमा घुमा के आप उसमें लगे रहते हो। तो यहाँ पे ये भी आ गई थी तो मैंने इसको बोला था कि शूट की तैयारी करनी है, मुकबंग वीडियो शूट करना है, तो तू फटाफट दही वही फेंट ले और थोड़ा सा जो सैलेड वैलेड का काम है वो कर देती है, बाकी का मेन काम मैं कर लेती हूँ। तो हम लोग वही सब बात कर रहे थे दोनों जन मिलके, और उसके बाद से जब मैंने पानी में डाला और डालने के बाद से जब मैं असेंबल करने के लिए गई उसके बाद से तो इतना मूड ख़राब हुआ, इतना ख़राब हुआ कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अभी बोल भी नहीं सकते, ऐसा हो गया। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई चीज़ें हम नहीं शेयर कर सकते कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो खाना जैसे तैसे था वैसे ही सब हमने रख दिया, हमने खाया भी
ही नहीं। और डायरेक्ट हमने रात को थोड़ा सा मूड सही हुआ 8-9 बजे, तब हमने थोड़ा थोड़ा खाया, वो भी बहुत ज़बरदस्ती खाया हमने। तो यहाँ पे तो मैं भी सब तैयारी कर रही थी कि चलो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ चीज़ें लेफ्ट ओवर है तो वो चीज़ें लेके बैठ जाएंगे और खा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, यहाँ पे मैं जो राइस बचा था उसका मैंने लेमन राइस बनाया और चाय पी रही हूँ, और यहाँ भागर का व्यूज़ देखो। बाय 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 गाइस, थोड़ा हाई कर दो, हाय गाइस। ठापनी लिफ्ट बंद है क्या? एक बार तो एक आज सर्विसिंग टाइम होगा, नीचे सर्विस हो रहा होगा, एक ऊपर चला गया, आएगा ना नीचे, रुक जा। हाँ, इसको भी वही बोलती हूँ, लिफ्ट आ नहीं रहा, आएगा नीचे तो मैं आती हूँ। आँखें खुली हो या हो बंद, गाइस ये अभी इसका टाइम हो गया है जाने का क्लास, और अभी आज हवा कितनी ज़्यादा चल रही है, वहाँ इसने मंदिर में पूजा कर ली है, क्योंकि पितृपक्ष में मैं तो नहीं करती, नहीं ऐसा नहीं है। क्या देख आएगा ना, दबा के रखना, नीचे वाला दबा, नीचे जाना है ना, तो नीचे चला गया, ऊपर चला गया, तो आएगा ना ऊपर से नीचे, क्योंकि एक बंद है ना हमारी, एक लिफ्ट बंद है, सर्विस चालू है शायद से, ऐसा लग रहा है। आया छे पे आया कुलझा सिम सिम, बाय। सो हे गाइस, आज मैं चंपू चंपू बनी हूँ, क्योंकि मैंने लगाया ऑयल, यहाँ के पानी से बाल बहुत ड्राई होते हैं और लगता है टकले हो जाएंगे, टकले हो जाएंगे लगता है, क्योंकि बाल पूरे गिर रहे हैं, यहाँ का पानी ना बहुत ज़्यादा बेकार, बहुत ज़्यादा बेकार है भयंकर का पानी। तो यहाँ कपड़े अभी बेड वेड लगाया नहीं है मैंने, क्योंकि वो जाती है क्लास, फिर मैं मेरा काम ख़त्म करती हूँ, तो अभी वो चली गई है। तो चलिए अभी फटाफट एक ब्लॉग, कल रात को मैंने एडिट कर दी थी, वॉइस ओवर नहीं की थी, तो अभी वॉइस ओवर करके अभी अपलोड करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद मेरा काम ख़त्म करती हूँ, यानी 10-15 मिनट का काम है, फटाफट कर लेते हैं। तो काम सबसे पहला इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जहाँ से पैसा आता है वो काम पहले करना चाहिए, बाकी का काम बाद में होगा, ठीक है। तो चलिए आपको मिलती हूँ बाद में, आज मोमोज बनाने वाली हूँ, तो मोमोज की रेसिपी वैसे भी मैंने बहुत डाली है, लेकिन तो भी शूट कर लेते, ठीक है। तो चलिए मिलते बाद में, पूछूँ पूछो क्यों पूछो। गाइस यहाँ पे मैंने कैरेट चॉप कर दिया है, दाल चढ़ा दिया है और वहाँ पे राइस भिगा दिया है, अभी बना रही हूँ मोमोज की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये कैबेज खराब हो जाएगा, कैबेज की सब्जी तो खाने वाली नहीं है, मोमोज रहेगा तो बराबर खा लेंगे। तो कैरेट, कैबेज और इसमें सोया चंक्स डालने वाली हूँ, जो चिकन का इफेक्ट देगा, फिलहाल इस समय पर चिकन विकन नहीं खा रहे, पितृपक्ष चालू है इसलिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मोमोज ही बना लेते हैं, सोया नगेट थोड़ा सा डाल के, जिसको मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, और इसमें मैं पानी इसका निचोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जो सोया नगेट्स है वो उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पहले मैं इसको चॉप कर लेती हूँ 1 मिनट में। और मैंने शावर ले लिया है फाइनली, और चलिए फटाफट सारा चॉप कर लेते, फिर देखा चॉप कर लिया है, यहाँ पे सारा डाल दिया है, यहाँ पे सोया नगेट्स भी है, और ये मेरे पास ना कूटा हुआ था अदरक लहसुन मिर्ची, वो डाल दिया, ये बिल्कुल भी नहीं डालना है आपको, सिर्फ इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो, ब्लैक पेपर, सोया सॉस और विनेगर और नमक, उसके अलावा आपको मिर्ची विर्ची नहीं डालना, क्योंकि चटनी भी तीखी होती है, और आप ये भी डाल दोगे तो तीखा हो जाएगा, लेकिन मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके लिए मैं डाल रही हूँ, डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, बाकी वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे चटनी की तैयारी हो रही है, दिखा दो, इसमें मैंने टमाटर डाल दिया, अदरक, अभी इसमें सूखी मिर्ची डालूंगी, तीखा वाला डाल रही हूँ, क्योंकि सेजन चटनी थोड़ा सा तीखा ही अच्छा लगता है, तो अभी इसको बॉईल कर लेंगे, थोड़ा सा इसको बॉईल कर लेंगे, अभी साइड का भी काम करते हैं, तो इसको भी अच्छे से बॉईल कर लेंगे, उसके बाद इसको पीस के थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। तो इसमें मेरे को लहसुन भी डालना है, तो लहसुन मैं छील लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। नमक डालेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे दिखा दे मैंने बटर डाल दिया है, वो एक्चुअली कड़क था इसके लिए पहले मैंने डाल दिया, और इस नमक डाल दिया है, नमक थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि सोया सॉस और विनेगर भी डालने वाले, तो यहाँ से विनेगर और सोया सॉस ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको डालते हैं, और विनेगर,
और इसमें और एक चीज जाएगा अजीनोमोटो, बिना अजीनोमोटो का मोमोज में टेस्ट नहीं आता। तो अगर आपको नेगी डालना है तो आप स्किप कर सकते हो, बट मैं जब भी मोमोज या फ्राइड राइस बनाती हूँ तो मैं डालती हूँ। अभी तक तो मरे नहीं, तो बात की बात है, खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो अभी इसको हाथ से मिक्स कर लूंगी, थोड़ी सी मैं अपनी रिंग निकाल लूं। तो अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, सोया नगेट्स के वजह से ना इसका जो मॉइस्चर है ना वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके लिए मैंने भिगा के नहीं डाला सोया नगेट्स। बाकी आपको अगर सोया नगेट्स नहीं डालना है तो आपको पानी जो है इसका निचोड़ के निकालना ही पड़ेगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये सिंपल तरीके से है, बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर देखो। यहाँ पे अभी मैदा ले लेंगे। अच्छा, मैदे में मैं कॉर्नफ्लोर भी डालूंगी थोड़ा सा, बाकी आपको नहीं डालना है तो मैं डाली मैदे से भी बना सकते हो। और मैदे में मैं दूसरा कुछ नहीं डालती हूँ, नमक वमक जो भी है वो सब नहीं डालती हूँ, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल जो बनता है उसके बाहर की कोटिंग में नमक वगैरह नहीं रहता है। तो थोड़ा सा मैं कॉर्नस्टार्च डाल रही हूँ थोड़ा सा वाइट दिखाने के लिए। तो जैसे एक कप मैंने ये लिया है मैदा, तो आप 1/4 कप जितना आप ये ले सकते हो कॉर्नफ्लोर। हाँ, मैं मैदा बोलने जा रही थी। तो एक्चुअली चाइनीज डंपलिंग से डंपलिंग तो छोटा क्लिप है मेरा, बड़ा क्लिप सब लगा लगा के खत्म हो गया। लगा देंगे और इसको रख देंगे। मैं बोल बोलती हूँ रहती हूँ, बीच में वीडियो बंद कर देती है। बट तो अभी इसका जो हम लोग डो लगाएंगे वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, हार्ड लगाना है। एक मिनट, एक तो कुछ बनाओ तो किचन कितना गंदा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, क्योंकि थोड़ा हार्ड चाहिए हम लोग को डो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। तो मैं लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने डो लगा दिया है, और कितना टाइट मैंने लगाया है, इतना ही टाइट आपको डो लगाना है। और देखिए कॉर्नफ्लोर डालने से ये मोमोज का जो डो है वो वाइट दिखता है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से मल के मैं 10 मिनट रेस्ट पे रखूंगी, तब तक मैं बाकी का मेरा काम खत्म कर लेती हूँ। यहाँ पे चटनी भी उबल रही है, और पहले जो इसमें बटर मेल्ट नहीं हुआ था उसको चेक कर लेते हैं, अभी भी मेल्ट नहीं हुआ ये। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर को। तो यहाँ पे हमने कल दही बड़े बनाए थे, अभी इसको टेबल पे रखने के लिए मैं बीट रूट ग्रेट कर रही हूँ। कुछ ज्यादा ही बारीक ग्रेट हो गया है अभी। देखिए अच्छा लग रहा है देख के, ऊपर से तीखी चटनी, मीठी चटनी, जीरा पाउडर सब डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पे देखिए मैंने कितने छोटे छोटे पेड़े किए हैं। तो मैं बहुत बड़े बड़े नहीं बना रही हूँ मोमोस, और नहीं बहुत छोटे छोटे मीडियम साइज के बना रही हूँ। तो इसको अभी पेड़े बना के रख लेंगे, और आटा देखो रखने के बाद थोड़ा सा और सॉफ्ट हो गया है। तो इसको ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पे राइस भी हो गया, इसका पानी में निकाल देती हूँ। सब क्या हो रहा है। तो राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इतनी रोटियां बेल दी है। और कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होता है ना, रोटी आप अच्छे से बेल सकते हो, वो स्ट्रेच नहीं होता पूरा। क्या नहीं होता, स्ट्रेच। और सारी तैयारी हो गई, हमारा बटर अभी तक गला नहीं, बताइए क्या कॉमेडी है। तो यहाँ पे मैंने स्टीमर भी चढ़ा दिया है, ये वाला, मेरे पास वो मोमो स्टीमर नहीं है, बाद में ले लेंगे जब लेना होगा तब, बट अभी कितना बर्तन लेंगे। तो चलिए फटाफट मैं बेल लेते हूँ, फिर आपको शेप करने के लिए सिखाती हूँ, जो मुझे खुद नहीं आता लेकिन मैं आपको सिखा सकती हूँ। जो मुझे खुद नहीं आता इसलिए मैं आपको सिखा सकती हूँ।
आवाज क्या आ रहा है उधर? वो बंद करो जरा, ये अपना सभी बटर को मिक्स कर देंगे, इसे ना बहुत ज्यादा जूसी होता है। और देखिए इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं छूटा है, क्योंकि हमने वो सोया नगेट्स डाले थे ना इसलिए। तो भी अभी सारा बटर मिक्स कर देंगे, क्योंकि बटर मिक्स नहीं होगा ना खाने में अच्छा नहीं लगेगा, वो ड्राई ड्राई लगता है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये लगता है मिक्स हो गया है, अभी मैं हाथ धो लेती हूँ। पहले मुझे नहीं आता वो काम, आपको सिखाने जा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सीख लीजिए, अच्छा लगेगा। तो ये मोमोज का स्टफिंग डालते हैं इसके अंदर। अच्छा, बहुत कम भी नहीं डालना है, बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है। मेरे को एक ही शेप आता है, आप देख सकते हो प्लेट्स मारते हैं वही। तो यहाँ पे मैं प्लेट्स मार रही हूँ, हाफ मून बना रही हूँ, और इसको अंदर कर कैसे, और इसको ये देखिए एक मैंने बना दिया है, लेकिन बनाते बनाते हाथ बैठ जाएगा अभी। तो इसको अभी हम लोग तेल लगाए हुए स्टीमर में ऐसे रखते जाएंगे, और एक बना के दिखाती हूँ, फिर फटाफट मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे और एक रख दिया है, यहाँ पे रख देंगे। और ये मोमोज को ना हाफ डन करके आप फ्रीजर में भी रख सकते हो, या ऐसे भी रख सकते हो। एक्चुअली नीचे चिपक रहा है, मेरा हाथ गीला है ना इसलिए। तो ये साइज के मोमोज आपको बाहर मिलते हैं, तो आप इसी साइज के बना सकते हो। देखिए ये बहुत इजी है। चलिए अभी मैंने दो दिखा दिया, अभी बात दिखाऊंगी। बाय बाय गाइस, मेरा मोमोज रेडी है। थोड़ा सा मैंने ऊपर से तेल लगा दिया है, अब इसको ढक देते हैं स्टीम होने के लिए 10 से 15 मिनट फास्ट गैस पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चटनी पीस लिया, और आज इसको फ्राई करके बनाएंगे। तो इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा जाता है इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। आप कम तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें भी नमक वमक मैंने कुछ डाला नहीं है। तो अभी इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, और थोड़ा चटनी थोड़ी इसीलिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और विनेगर डालेंगे। तो इसमें मैं धनिया डालूंगी। तो धनिया मैंने पहले धो के रखी थी, इसीलिए डायरेक्ट डाल रही, नहीं तो फिर कमेंट करेंगे दीदी धनिया तो धोया नहीं आपने। फिर भी धो रही हो? धो ही नहीं सकते। तो इसमें अभी धनिया डाल देंगे। तो इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको 2 मिनट पकाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे अपना मोमोज भी स्टीम हो गया है, यहाँ पे दिखाती हूँ, आप देख सकते हो मोमोज भी अच्छे से स्टीम हो गया है। इसको 2 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद मैं बाउल में ट्रांसफर करूँगी। तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ, दाल वाल रखना है मुझे। सो ये गाइस यहाँ पे सारा रेडी है। ये बीटरूट दही वड़ा हो गया ऐसा लग रहा है। यहाँ पे दाल चावल मोमोज गुलाब जामुन सब्जी वगैरह है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद।